नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। अवैध आपूर्ति पर लगी पाबंदी तो झारखंड में बालू की कालाबाजारी शुरू, 18,000 रुपये हुई प्रति हाईवा कीमत। राजधानी में अवैध बालू आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसे बालू आपूर्ति ठप हो गई है और निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका है। फिलहाल रांची में बालू की किल्लत होते ही कालाबाजारी शुरू हो गई है। 3500 से 4000 रुपये में 709 ट्रक में मिलने वाले बालू की कीमत इस समय 6000 रुपये हो गई है। वहीं 12000 रुपये प्रति हाईवा बालू की कीमत अब 18000 रुपये हो गई है। JSSC ने 727 सीटों पर जाने किन पदों के लिए निकाली वैकेंसी, 12 अप्रैल से शुरू होगा आवेदन, जानिए जरूरी योग्यता। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए प्रक्रिया शुरू की है। 727 पदों पर बैकलॉग व नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन का प्रकाशन किया है। भारत के नागरिक से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू होगी और 12 मई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि 14 मई तक की गई है। झारखंड पारा शिक्षक के मानदेय भुगतान में गड़बड़ी, 4 जिलों में DSC से मांगी गई जानकारी, जाने पूरा मामला। जेटेड सफल सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक के मानदेय भुगतान में कई जिलों में प्रावधान की अनदेखी की गई है, सामने आई है। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने पत्र लिखा है। इसके अनुसार पारा शिक्षकों की जिस कक्षा के लिए नियुक्ति हुई है उसमें ही टेट में उन्हें सफल होना होगा। इस संबंध में गिरिडीह, हजारीबाग, गढ़वा और पश्चिमी सिंहभूम जिला के DSC को पत्र लिखा गया है। राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए अच्छी खबर, झारखंड युवा सदन का हुआ आगाज, जाने इसका मुख्य उद्देश्य। झारखंड युवा सदन का आगाज हो चुका है। इसका उद्देश्य राज्य के कोने कोने से युवाओं को एक मंच पर लाकर राजनीति के बारे में प्रेरित करना है। दरअसल ये एक सामाजिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य झारखंड के लोगों के अंदर छिपे हुए नेतृत्व क्षमता को परखना और निखारना है। बता दें कि विगत 2 सालों से युवा झारखंड युवा सदन के कार्यक्रम का आयोजन रांची में किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष आकाश पांडे इस बारे में बताते हैं कि यह एक ऐसा मंच है जहां झारखंड के प्रत्येक विधानसभा से 2-2 युवाओं का चयन कर सदन में आमंत्रित किया जाता है, जिसके बाद उन्हें लोकतंत्र व राजनीतिक क्रियाकलापों के बारे में समझाया जाता है। साथ ही साथ विधायिका से जुड़े गुण भी सिखाए जाते हैं। युवा भी अपने गाँव शहरों की समस्याओं को सदन के मंच पर रखकर समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। झारखंड में मिड डे मील का बुरा हाल, उधार लेकर बच्चों को खिलाया जा रहा है खाना, 7 दिनों बाद दुकानदार रोक देता है सप्लाई। झारखंड में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिड डे मील योजना का हाल बेहाल है। कोरोना संक्रमण की कमी आने के बाद प्रारंभिक विद्यालय खोल दिए गए हैं। स्कूलों के खुलते ही बच्चों को मध्याह्न भोजन भी कराया जा रहा है, लेकिन कुकिंग कॉस्ट की राशि नहीं मिलने से यह योजना कहीं उधार पर तो कहीं शिक्षकों के पैसे से संचालित हो रही है। दरअसल जिस खाते से योजना संचालित होता है उस खाते में कुकिंग कॉस्ट की राशि कुछ महीने से 0 बैलेंस पर है। सरकार ने सारी राशि वापस ले ली है। झारखंड में गर्मी के कारण सरकारी स्कूलों बदलेगा समय, जाने कब से कब तक होगी पढ़ाई। झारखंड में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव होगा। सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक या फिर 12 बजे तक स्कूलों का संचालन होगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रही है। वर्तमान में सुबह 7 बजे से 1 बजे तक स्कूलों का संचालन हो रहा है। राज्य में पड़ रही गर्मी को देखते हुए शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे थे। इसके बाद शिक्षा विभाग स्कूली टाइमिंग में बदलाव करने जा रही है। अगले 1-2 दिन में इसके निर्दिष्ट जिलों में भेज दिए जाएंगे और अगले सप्ताह सोमवार से नई टाइमिंग पर स्कूल चलने लगेंगे। झारखंड पंचायत चुनाव आयोग ने तय किया उम्मीदवारों के खर्चे की सीमा, जानिए कैसा होगा बैलेट पेपर का रंग। झारखंड में पंचायत चुनाव लड़ने वालों की उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चुनाव के तारीखों के ऐलान को सबको प्रतीक्षा है। जैसे ही तारीख घोषित होगी राज्य का ग्रामीण इलाका पंचायत चुनाव को लेकर व्यस्त हो जाएगा। नामांकन, प्रचार अभियान, जनसंपर्क अभियान का
सिलसिला शुरू हो जाएगा। झारखंड में निर्धारित समय से 2 साल विलंब से पंचायत चुनाव होने वाला है। कोविड के कारण पंचायत चुनाव प्रक्रिया ठप थी, अब राज्य सरकार और चुनाव आयोग चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर चुका है। चुनाव में कई चीजें रोचक होती है। इस चुनाव में लाखों मतदाता, हजारों उम्मीदवार और हजारों चुनाव कर्मियों की सहभागिता होती है। लगभग 1.5 महीने से ज्यादा समय तक पूरी प्रक्रिया चलेगी। एटीएम से कैश निकालते समय रहे सावधान, साइबर फ्रॉड के बाद अब लूट लिए जा रहे रुपये। अगर आप रांची में रहते हैं और एटीएम से कैश निकाले जाते हैं तो इस खबर को पढ़ने के बाद आप कैश निकालने में थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब झारखंड की राजधानी रांची स्थित अलग अलग बैंकों की एटीएम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल रांची के अलग अलग एटीएम में लगातार कुछ न कुछ आपराधिक वारदात हो रहे हैं। कभी साइबर फ्रॉड तो कभी एटीएम चोरी तो कभी एटीएम के अंदर ही ग्राहक से लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। हाल के दिनों में यह भी देखने को मिल रहा है कि एटीएम में बैंक की तरफ से गार्ड की भी व्यवस्था नहीं है। कई ऐसे में एटीएम के कैश निकालने के दौरान सावधान रहने की जरूरत है। झारखंड में सड़क से शादी के कार्ड तक पहुंची खतियान की राजनीति, अब क्या करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में 1932 खतियान स्थानीय नीति को लेकर सड़क से सदन तक अपनी आवाज़ बुलंद करने की सियासत तो अब पुरानी हो गई है। नया मामला यह है कि अब 1932 खतियान की मांग शादी तक में उठने लगी है। अब लोग 1932 खतियान की मांग को लेकर शादियों के कार्ड के ऊपर संदेश तक छपवा रहे हैं। 1932 का खतियान हर झारखंडी की पहचान, जैसे नारे रामगढ़, बोकारो, धनबाद, चतरा समेत अन्य जिलों के शादी के कार्ड में छपने लगे हैं। अब इसकी सुगंध शादी के जोड़ों से आने लगी है। शादी के जोड़े का लाल रंग अब प्रेम कम और बगावत का दास्ता अधिक सुना रहा है। संदेश साफ है कि चाहिए तो बस 32 का खतियान, इससे कम कुछ भी नहीं। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति के मांग को लेकर सरकार पर चौतरफा दबाव बनता जा रहा है। रामनवमी को लेकर हजारीबाग में अलर्ट, शांति व्यवस्था के लिए 14 DSP की हुई प्रतिनियुक्ति। रामनवमी की शोभा यात्रा के मद्देनजर सबसे संवेदनशील जिलों में से एक हजारीबाग में इस वर्ष पुलिस मुख्यालय ने विशेष तैयारी की है। हजारीबाग जिले में 14 DSP स्तर के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति मुख्यालय के स्तर से की गई है। हजारीबाग DIG ने पुलिस मुख्यालय से शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए DSP स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति 7 से 13 अप्रैल तक करने की मांग की थी। झारखंड के स्कूलों में 1 से 12 तक के बच्चों का बनेगा जाति प्रमाण पत्र। झारखंड के स्कूलों में 1 से 12 तक के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। स्कूल में विद्यार्थियों का बिना पैसे ही निशुल्क जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा दिशा निर्देश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इसके लिए किसी तरह का कोई पैसा न लिया जाए। साथ ही इस बात का भी जिक्र है कि इसके लिए 2 मई से 20 मई तक विशेष अभियान चलाएं। तमिलनाडु में एक शादी में दुल्हा दुल्हन को तोहफे में मिला पेट्रोल डीजल, सामने आया वीडियो। तमिलनाडु में एक शादी में दुल्हा दुल्हन को तोहफे में पेट्रोल और डीजल मिला है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है, सच्चे दोस्त महंगा गिफ्ट देते हैं, चाहे उधार मांग कर दे। गौरतलब है कि पेट्रोल डीजल के दामों में बुधवार को 16 दिनों में 14वीं बार बढ़ोतरी हुई थी। पीयूष गोयल ने कहे, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते से लगभग 10 लाख रोजगार सृजित होंगे। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते अगले 4 से 5 वर्षों में लगभग 10 लाख नौकरियों सृजित करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए वर्क वीजा मिलेगा। बकौल मंत्री, दुनिया में भारत की पहुँच बड़ी है और भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकालीन तक स्थगित, 129% रही लोकसभा की उत्पादकता। संसद के बजट सत्र में लोकसभा और राज्यसभा को लेकर तय समय से एक दिन पहले अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद का बजट सत्र 31 मार्च को शुरू हुआ था और 8 अप्रैल को इसका दूसरा चरण समाप्त होने वाला था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक सत्र की उत्पादकता 129% रही। सत्र के दौरान 13 विधेयक पारित भी हुए। पश्चिम बंगाल बोर्ड ने कहा, 12वीं की परीक्षा में राजनीतिक संदेश लिखे तो छात्रों पर होगी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कहा कि जो छात्र 12वीं की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में राजनीतिक संदेश लिखेंगे या राजनीतिक चित्र बनाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बकौल बोर्ड ने परीक्षाओं को ऐसी पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करने को कहा गया है। इससे पहले 10वीं के कुछ छात्रों की उत्तर पुस्तिका में खेला हो लिखा
भ्रष्टाचारियों को पता लगाते ही उनके गर्दन काटेंगे हरियाणा का सीएम खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को कहा कि भ्रष्टाचारियों का पता लगाते ही उनकी गर्दन काटेंगे, पता लगाना चाहिए और सबूत मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संस्था बनाई गई है। बकौल खट्टर कई लोगों को नौकरी से निकाला गया है और आईपीएस स्तर के लोगों को भी पकड़ा गया है। 50 रुपया से कम का पेट्रोल नहीं मिलेगा, दाम बढ़ने के बीच महाराष्ट्र में पेट्रोल पंप की सूचना। पेट्रोल महंगा होने के बीच महाराष्ट्र के नागपुर के एक पेट्रोल पंप की मशीनों पर 50 रुपया से कम का पेट्रोल नहीं मिलेगा वाली सूचना लगाई गई है। पंप के मालिक ने कहा, लोग 20-30 का पेट्रोल मांगते हैं, मशीनें काफ़ी तेज है, कर्मचारी के नोजल उठते ही सेकंडों में मशीन पर राशि 20-30 तक पहुँच जाती है, जिसके कारण लोग झगड़ा करते हैं। कल स्वास्थ्य कर्मियों को आभार व्यक्त करने का दिन था, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, आज का दिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का है, यह उनकी कड़ी मेहनत से जिसने हमें सुरक्षित रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आइए हम सब एक स्वस्थ समाज बनाने का संकल्प लें। भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज चाहने वालों के लिए खुशखबरी, भारत पाकिस्तान के बीच मैच का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार है, ऐसे में उनके लिए खुशखबरी है। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को दुबई में मीटिंग होगी, इसमें द्विपक्षीय सीरीज और चार देशों के बीच सीरीज को लेकर अहम फैसला हो सकता है। उम्मीद है कि इसमें दोनों देशों के बीच सीरीज को लेकर फैसला हो सकेगा। साथ ही भारत पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। रमजान को लेकर मुस्लिम पुलिसकर्मियों को प्रशासन ने दी बड़ी राहत, झारखंड में रमजान के महीने को देखते हुए मुस्लिम पुलिसकर्मियों के लिए खास निर्देश जारी किया गया है। अब मुस्लिम पुलिसकर्मी 4 बजे के बाद कार्यालय छोड़कर जा सकेंगे। इसके साथ ही इस आदेश में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के पुलिसकर्मी पूरे रमजान में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच नमाज के लिए कार्यालय छोड़ सकते हैं। इस पहल से हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।